सो हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। कि भाई एल्कीन की हैलोजन यानी क्लोरीन ब्रोमीन के साथ रिएक्शन क्या होगी और क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे, और उसकी हम स्टीरियोकेमिस्ट्री को और मैकेनिज्म को भी डिस्कस करेंगे। तो जैसे आपका इथाइलीन है, इसकी आपने ब्रोमीन से रिएक्शन कराई, तो किस तरीके की रिएक्शन हुई? सिंपल आप इजीली आगे लगा सकते हो कि भाई सब्स्टिट्यूशन तो होगा नहीं, क्योंकि एडिशन रिएक्शन आसान है। यहाँ पे पाई बॉन्ड है, ठीक है ना, पाई बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है, कम इसके लिए एनर्जी चाहिए होती है, तो आपका ये एडिशन रिएक्शन हो जाती है। ये आपने प्रोडक्ट, ठीक है, सिंपल क्लोरीन ले लिया तो क्लोराइड लगा दिया, तो ब्रोमीन को ये डिक्लोराइज कर ही देता है, ठीक है, टेस्ट भी होता है। अब जो है आपने, चलो जी, टॉपिन ले लिया, इसकी ब्रोमीन से रिएक्शन कराई, तो चलो डबल बॉन्ड पे ये लगा दिया, ये आपका एक कायरल कार्बन हो गया। अब एक कायरल कार्बन हो गया तो ठीक है, आपने इसका रेसिपी मिक्सचर बन जाता है, ठीक है, ठीक है। यानी इसके आपके डी और एल दो फॉर्म बन जाएंगे। अब आपने ये ले लिया, मान लीजिए सिस टू ब्यूटीन और ट्रांस टू ब्यूटीन ले लिया, तो क्या प्रोडक्ट बनेंगे इनके बारे में आप सोचिए, ठीक है। इसकी मैकेनिज्म भी बताएंगे हम, और प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे, और उनको याद करने का तरीका भी बताएंगे, और जो है 3D भी स्टीरियोकेमिस्ट्री भी डिस्कस करेंगे। तो आप अभी इनके बारे में सोचिए और फिर आगे इनके सॉल्यूशन देखिए। तो हम लोग इनके प्रोडक्ट्स के बारे में सोच रहे थे कि इनके प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, तो इसको मतलब एक याद करने का तरीका ये है, और कुछ ही एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, मतलब अल्टीमेटली मॉलिक्यूल्स ये 3D में होते हैं, और 3D को 2D में समझना आसान भी नहीं होता है, ठीक है। और आप या तो मॉडल से सोच चीजों के बारे में, या फिर जो है इनसे सोचो, ठीक है, ठीक है, जो तरीका बता रहे हैं हम, तो सीधे आंसर आते हैं। इसमें आप ध्यान रखिए कार, ठीक है, कार मतलब सिस ऑन एंटी एडिशन गिव्स यू रेस्विक मिक्सचर, ठीक है। तो कार का उल्टा क्या हो जाएगा, सिस का उल्टा ट्रांस, TAM, ट्रांस ऑन एंटी एडिशन गिव्स यू मीजो। ऐसे ही आप मान लीजिए सिन एडिशन होता है, एक साइड ग्रुप जुड़ते हैं, तो वहां फार्मूला याद रखिए CSM, सिस ऑन सिन एडिशन गिव्स यू मीजोफॉर्म, और ट्रांस के लिए क्या बन जाएगा, TSR, ट्रांस ऑन सिन एडिशन गिव्स यू रेस्विंग। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ब्रोमीन का इसमें एंटी एडिशन, ठीक है, वो अभी मैकेनिज्म में आगे बताएंगे हम। तो आपका जो प्रोडक्ट बनना है इसमें, ये आपका सिस है, तो सिस में रेस्टिंग मिक्सचर बनना है, यानी दो बनने हैं, ठीक है ना। ये कार्बन आपके इस तरीके से आ जाएंगे, इसको आपने यहां CH3 लगा दिया, यहां CH3 लगा दिया, और यहां एक साइड आप H लगा दीजिए, एक साइड BR लगा दिया, इधर H लगा दिया, प्लस BR लगा दिया, प्लस इसका इनिशियोमर, ठीक है, ये आपका बन जाएगा। तो रेसिपी मिक्सचर बनेगा, दोनों सेम अमाउंट में बनेंगे। यहां पर क्या होगा, हमारे को मीजोफॉर्म बनानी है, ठीक है, तो ये आपकी मीजोफॉर्म बन जाएगी, प्लस इनिशियोमर इसका भी, मिरर इमेज बन जाएगा इसका, यहां पर भी आप बना लेंगे।
तो ये कैसे बन रहा प्रोडक्ट, ये थोड़ा सा आपको लग ही रहा है 3D में किस तरीके से क्या हुआ है, तो उसको अभी हम डिस्कस मैकेनिज्म में करते हैं। तो ये जो हैलोजिनेशन की मैकेनिज्म है ये दो स्टेप में होती है। पहले स्टेप में पाई बॉन्ड पर हैलोजन की जो एटम्स हैं वो अटैक करते हैं और उनमें हेट्रोलाइटिक फिशन होता है हैलोजन में, ठीक है। तो उसमें से जो पॉजिटिव पार्ट होता है, ठीक है, क्योंकि पाई बॉन्ड आ रहा है तो पोलराइजेशन हो जाता है, तो जो एक पार्ट पॉजिटिव बन जाता है एक नेगेटिव बन जाता है, ठीक है। जबकि वहां पर नॉन पोलर बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट हो जाते हैं, तो पॉजिटिव पार्ट जो है डबल बॉन्ड से जुड़कर साइक्लिक हेलोनियम आयन बनाता है, और उस पर फिर सेकेंड स्टेप में दूसरा जो हैलाइड नेगेटिव आयन है वो आपका बैक साइड से अटैक करता है। जो हेलोजन मॉलिक्यूल है वो एल्कीन में ऐड हो जाता है, ठीक है। तो ये इसकी दो स्टेप में मैकेनिज्म होती है और इसमें इसका साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है। तो जैसे प्रोपीन के साथ आपकी ब्रोमीन ऐड कर रही है तो पहले आपका साइक्लिक इंटरमीडिएट बन जाता है। अब साइक्लिक इंटरमीडिएट में जो ब्रोमीन नेगेटिव आयन है वो इस कार्बन पर अटैक करेगा कि इस कार्बन पर अटैक करेगा, या दोनों पे कर सकता है। तो ये जो है आपको देखना पड़ेगा कौन सा कार्बोकैटायन है मोर स्टेबल होगा। तो यदि आप इसको तोड़ते हैं तो ये वाला कार्बोकैटायन बनेगा, ठीक है, ये इसके साथ चला जाएगा, तो ये वाला कार्बोकैटायन मोर स्टेबल बनेगा क्योंकि इसमें मिथाइल है, ठीक है, सेकेंडरी है, वो प्राइमरी है, तो इस पर अटैक करता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो वीडियो को यहीं रोक के आप जो है इस रिएक्शन के मेजर प्रोडक्ट के बारे में सोचिए क्या बनेगा, ठीक है। तो इसका जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो आपका क्या बनेगा वो देखिए, कि जैसे आपका ब्रोमीन और क्लोराइड आयन है इनमें से पहले कौन अटैक करेगा। देखिए ये आपके एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, ठीक है ना, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में पहले ये तो इलेक्ट्रोफाइल बन सकता है, ये तो नहीं बन सकता है, तो न्यूक्लियोफाइल बनेगा, तो ब्रोमीन अटैक करता है इस पर पहले, और आपका क्या बनाएगा साइक्लिक इंटरमीडिएट, ठीक है, बी आर इसने लोन कर ले लिया, ये आपका बी आर पॉजिटिव बन गया, दोनों पेयर आ गए उसके। अब आपका क्लोराइड आयन मोर रिएक्टिव होता है, ठीक है, काफी सारा सॉल्यूशन के अंदर, तो ये अटैक करेगा, तो आपका इस कार्बन पे करेगा कि इस कार्बन पर, ठीक है, तो इस पे करेगा क्योंकि इस कार्बन का ज्यादा स्टेबल हुआ, ऐसे टूट जाएगा, आपका। तो इन दोनों रिएक्शंस के आप प्रोडक्ट्स बनाने की कोशिश कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। तो इसमें आपका, मान लीजिए ये आपका Br है, तो यहां H, यहां Br और ये आपका एच आएगा, ठीक है, प्लस इसका आर्किनेशियम आ जाएगा, ठीक है, तो क्योंकि इसमें एंटी एडिशन होता है, ठीक है, एक इधर जुड़ेगा एक उधर जुड़ेगा, आप इसमें भी जुड़े हैं आप, तो पहले इस तरीके से सेम ही है आपका, इसको देखने का तरीका बस डिफरेंट है। पहले आपका साइक्लिक रोमियम आयन इंटरमीडिएट बनेगा, फिर बी आर नेगेटिव बैक साइड अटैक करेगा, ये इधर टूट गया, यहां पे बी आर और यहां पे बी आर, यहां एच और यहां एच, ठीक है, इस तरीके का प्रोडक्ट बन जाएगा आपका, ये एंटी ट्रांस बनेगा, ठीक, तो और इसका इनेंशियमर भी बन जाएगा, ठीक है, प्लस इनेंशियमर, ये जो है आपके प्रोडक्ट्स यहाँ। तो इसके जो आपके एडिशन प्रोडक्ट हैं उनके बारे में आप सोचिए क्या होंगे एडिशन प्रोडक्ट। तो ये दो साइक्लोहेक्सेन की चेन कन्फॉर्मेशंस हैं, उन पे दो क्लोरीन लगाने हैं आपने, ठीक है। तो मान लीजिए हम यहाँ पे लगाते हैं, ठीक, ये आपका एक्सियल, ये आपका इक्विटोरियल, ठीक है ना, ये आपका एक्सियल, ये इक्विटोरियल,
तो यहां पर जो ये वैलेंसी डाउन है ये अप है, ठीक है, प्लेन के ऊपर है, प्लेन के नीचे, तो ट्रांस में आपका यहाँ पर एंटी एडिशन होना है, यानी ट्रांस बनना है, इसको आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, ठीक है, या इसका एनेंशियोमर ये बन जाएगा सीएल, तो यहां पर जो बिग ग्रुप है वो आपके इस पर ही आएंगे, क्या नाम है इक्विटोरियल पे, तो यहां से ये लगाएगा और यहां से ये लगाएगा, ऐसे ही आपका इस वैलेंसी पे जो है आपका प्लेन की ये जो है ऊपर, तो ये नीचे, यहां से ये लगाएगा और आपका यहां से, ठीक है, तो ये दो इसमें इंश्योमर इसके बनेंगे। तो इसमें आपको थोड़ा साइक्लोहेक्सेन में ध्यान रखना पड़ेगा, 1-3 पोजिशन में चिन्ह क्या होता है, 1-3 भाई आपका, जैसे ये आपका 1-2 पोजिशन है, ठीक है ना, तो यहां पर आ गया ट्रांस में और यहां पर आ गया। अब आपका मान लो इस तरह कंपाउंड होता, ठीक है, तो ये 1-3 पे हो गया, तो ये आपका एक्सियल इक्विटोरियल, एक्सियल ऊपर आ जाता और इक्विटोरियल नीचे आ जाती, ठीक है, तो जब आपका यहां पे डाउन पर है तो यहां पर ये डाउन होता, ठीक है ना, ठीक है, तो इस पर आता एक्सियल पे आता, ठीक है, ठीक है, यदि आप 1-3 का बनाते तो आप एक सीर यहां लगाते और एक यहां लगाते, ठीक, तो ये आपको थोड़ा सा की पोजीशन के अकॉर्डिंग ध्यान रखना है। ट्रांस में एक वैलेंसी ऊपर होगी प्लेन के, एक नीचे होगी, सिस में या तो दोनों नीचे होंगी या दोनों ऊपर होंगे, ठीक है ना, ठीक है, तो वो आप एक्सियल इक्विटोरियल को ध्यान में स्ट्रक्चर रख के साइक्लोहेक्सेन का जो है रख के उनको बनाएगा उनके मॉडल में, और यहां पर भी यहां पर ये सिस दिखाई देगी और ये ट्रांसफॉर्म दिखाई देगी, तो आपको किस तरीके से ग्रुप्स को अरेंज करना है वो ध्यान रखिएगा, फिर आपकी 1-4 पोजीशन, फिर 1-2 जैसे। तो जैसे हमने सिस आपका 1-2 जो है सॉरी सिस 2 ब्यूटीन में आपने ब्रोमीन का ऐड करा, तो इसमें इसको आप इस तरीके से मान सकते हैं सिस 2 ब्यूटीन को, ठीक है, जैसा हम प्लेन पेपर पे इस तरीके लिख देते हैं, तो ये आपकी प्लेन के ऊपर है नॉन वैलेंसी, ये नीचे में ब्रोमीन का पहले साइड इंटरमीडिएट बना, ठीक है, अगर ब्रोमीन पॉजिटिव आयन बना ब्रोमीन आयन तो दोनों साइड पे यहाँ अटैक कर सकता है, दोनों साइड से टूट सकता है, ठीक है, तो दोनों ही आपके प्रोडक्ट्स बने और इनमें आपने ब्रोमीन को ऐड कर दिया दोनों साइड, और उसको फिर ये आपकी फ्लाइंग वेज का इंफॉर्मेशन है, और ये आपकी जो है फिशर कंफर्मेशन है, ठीक, तो ये जो है आपके प्रोडक्ट्स बनते हैं, इसमें इस तरीके रेसिपी मिक्सर बनता है। अब ये तो सिस थी, तो ट्रांस में आप इन दोनों ग्रुप को इंटरचेंज कर दीजिए, बाकी सब कुछ सेम रहने दीजिए, फिर देखिए क्या होता है, ठीक है, और वहां पर मेसोफॉर्म बनेगी। तो यदि आप ट्रांसफॉर्म लो, जिसमें हमने लेफ्ट साइड में जो आपका ब्यूटीन 2 है उसमें एच और सी एस 3 को चेंज कर दिया उनकी पोजीशन, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम रखा है, और उसमें फिर आपकी क्या बनती है, मीजोफॉर्म बनती है, ठीक है, ठीक है, तो ये दोनों आपकी मीजोफॉर्म बनती हैं, और ये फ्लाइंग वेज और फिशर फॉर्म्स हमने बना रखी है। तो ये इनकी मैकेनिज्म होती है, तो इन मैकेनिज्म को आप सीधा रिजल्ट के रूप में भी याद कर सकते हो कि कार, ठीक है ना, सिस ऑन एंटी एडिशन गिव यू रेसिपी मिक्सचर, और ट्रांस ऑन एंटी एडिशन टाइम मीजोफॉर्म, ठीक, तो सीधा प्रोडक्ट्स बता सकते हो।